क्या लाइन? हाँ बोलिए, सबसे पहले लाइन चेक करेंगे ना, तो अगर आप लाइन का डीआरएस देखेंगे तो लाइन का डीआरएस है 3 1 -5, और अगर आप प्लेन देखेंगे और प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस चेक करेंगे तो वो डीआरएस है 2 -1 और 1। बोलो भाई, 2 -1 और 1। सबसे पहले ए ए वन, बी बी वन और सी सी वन करोगे तो यहां से क्या रिजल्ट आपको 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये प्लेन और लाइन आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। ये दिखा कि नहीं? बोलो भाई। अब इमेज निकालनी है तो अब इमेज का कॉन्सेप्ट सिंपल सा हो गया कि नहीं? तो डीआरएस तो सेम हो गया, जो इस लाइन का डीआरएस होगा वही इमेज लाइन का डीआरएस होगा। तो इमेज लाइन का डीआरएस कितना हो गया? 3 1 -5। अब हमें बस एक पॉइंट चाहिए। इस लाइन पर एक पॉइंट है 1 3 4, इसी पॉइंट का इस प्लेन से आप क्या निकाल लोगे? इमेज। याद आया कि नहीं कॉन्सेप्ट बताओ? और इमेज का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है ना, याद आ रहा है सबको कि नहीं कि इमेज का फॉर्मूला पढ़ा है आपने? तो अगर इस इमेज को आप अल्फा बीटा गामा कह दो तो क्या होता है? अल्फा माइनस एक्स वन बाई ए, बीटा माइनस वाई वन बाई बी, गामा माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू माइनस टू। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है बताओ? यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा बताओ? माइनस। और अल्फा क्या? माइनस थ्री आ रहा है क्या? अच्छा, बीटा कितना आ रहा है? 7। बोलो बीटा कितना आ रहा है? 7 क्या? अल्फा माइनस थ्री, बीटा कितना आ रहा है यहाँ से? 5। और गामा कितना आ रहा है? गामा कितना आ रहा है? 2। तो इसका मतलब लाइन, इमेज लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? एक्स प्लस 3/3, वाई माइनस 5/1 एंड जेड माइनस 2/-5। ए आंसर आ रहा है, यही बताया था ना? समझ गया कि नहीं प्रोसेस? सबसे पहले आपने लाइन और प्लेन का रिजल्ट चेक किया कि क्या है, वहां से आपको मिल गया कि लाइन प्लेन के पैरेलल है। बस पैरेलल लाइन है तो सीधा इमेज निकाल दिया। पैरेलल लाइन में कैसे इमेज निकालते हैं ये आपने सीखा ही है। सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। चलिए आगे देखिए। अगला, एक लाइन है जो एक प्लेन को एक पॉइंट पी पे मीट करती है, तो पी की ओरिजिन से डिस्टेंस। ये भी तरीका मैंने आपको बताया है। जल्दी इन दोनों का आंसर बताओ, 2 मिनट है आपके पास, क्विक। याद है ना? सबसे पहले लाइन पर एक जनरल पॉइंट ले लो। याद आया कि नहीं इस क्वेश्चन में क्या करना था? बोलो। तो पॉइंट ऑन लाइन लोगे तो क्या बनेगा? 2λ + 1, 3λ - 1, 4λ + 2। चेक करिए जरा, सही लिख रहा हूँ मैं? और इसको कहाँ लाई करा दो? प्लेन पे। जैसे आप इसको प्लेन पे लाई कराओगे तो क्या होगा? 2λ + 1 प्लस 2 times of 3λ - 1 और प्लस 3 times of 4λ + 2। इसी को सॉल्व करके लैम्डा निकाल लो तो 6, 8, 8 और 12, 20λ आएगा क्या? और यहाँ से 1 और यहाँ से -2, 6, 6 और 1, 7, 7 - 2, ये साइड 10 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ। देखो, अरे बताओ भाई, लैम्डा हाफ आ रहा है। पी पॉइंट कितना आ जाएगा? पी पॉइंट कितना आ जाएगा? 2, 3/2 - 1, मतलब 1/2 और 4। तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आ गई? √4 + 1/4 + 16, 81 by 4, 9/2। आंसर इसका 9/2 आ रहा है। समझ गए कि नहीं क्या किया था? सबसे पहले लाइन पर बस पॉइंट निकाला, उसको प्लेन पे लाइक करा के लैम्डा, पॉइंट आ गया, पॉइंट से सीधा डिस्टेंस निकाला। क्या है बात, क्लियर हुई? गुड। अगला देखिए, अगले वाले में क्या करोगे? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन मेजर्ड अलोंग दिस लाइन। ये भी मैंने कल की क्लास में कॉन्सेप्ट समझाया था कि नहीं? तो क्या इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है बताओ? बोलिए, इसमें क्या डिस्टेंस निकालनी है? यही तो डिस्टेंस चाहिए इसमें। इस लाइन के अलॉन्ग मेजर हो रही है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो सीधे सीधे सबसे पहले क्या करोगे? इस लाइन की इक्वेशन लिख के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। याद आ रहा है कि नहीं सबको? बोलो। और फिर इसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे। ये मेथड क्लियर हो रहा है सबको कि नहीं बताओ भाई? बोलिए, मेथड क्लियर हो रहा है कि नहीं सबको बताओ?
बताइए फिर आंसर, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव है तो क्या करोगे? सबसे पहले पी क्यू लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो वो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वन बाई वन, वाई प्लस फाइव बाई वन और जेड माइनस नाइन बाई वन। फिर क्यू पॉइंट ले लोगे, क्यू पॉइंट लैम्डा के टर्म में लोगे, लैम्डा प्लस वन, लैम्डा माइनस फाइव, लैम्डा प्लस नाइन। बोलो भाई क्या सही लिखा है मैंने, बताओ। अच्छा यही पॉइंट कहाँ लाई कराओगे, प्लेन पे? बोलिए, जैसे क्यू को प्लेन पे लगाएंगे, लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस फाइव, लैम्डा प्लस नाइन इक्वल टू फाइव, फाइव और फाइव कैंसिल, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, माइनस टेन। लैम्डा की वैल्यू माइनस टेन रखो तो क्यू पॉइंट कितना आ जाएगा बताओ, माइनस नाइन कॉमा माइनस फिफ्टीन कॉमा कितना, माइनस वन। पी पॉइंट दिया हुआ है वन माइनस फाइव और नाइन, ठीक है। अब पी क्यू डिस्टेंस निकाल दो, कितनी आ रही है पी क्यू डिस्टेंस, हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस हंड्रेड, मतलब टेन रूट थ्री आंसर आ रहा। क्या बात सबको समझ में आई, बताइए भाई क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या किया क्यों किया, बोलो भाई कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। हाँ है ना, अच्छा इसी का एक शॉर्टकट था वही प्रोजेक्शन वाला मेथड, सही ना। आइए अब उस शॉर्टकट की बात देख ही लेते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, सपोज ये रहा प्लेन, बोलो भाई, अच्छा इस लाइन के अलोंग आपको जाना है, ये लाइन है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, सही है। ये रहा पॉइंट वन कॉमा माइनस फाइव कॉमन है, सबसे पहले इससे क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी निकाल लेते कि नहीं, बताओ डी डिस्टेंस कितनी आती है। इस प्लेन की इक्वेशन दी थी एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, डी डिस्टेंस कितना आता जल्दी बताओ, वन प्लस फाइव प्लस नाइन माइनस फाइव का मॉड डिवाइडेड बाई रूट तीन, तो क्या ये टेन बाई रूट थ्री आता, बोलो डी डिस्टेंस। अरे हाँ या ना। इसके बाद अगला काम क्या करते हैं, ये पैरेलल प्लेन आता, बोलिए तो अगर हम किसी तरीके से ये वाला एंगल थीटा निकाल लेते, सही है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारे लिए क्या हो जाती, डी साइन थीटा हो जाती कि नहीं, बोलो बोलो भाई। यस सर। तो बस हमें ये वाला थीटा निकालना है, और ये थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो उसके लिए हमें साइन थीटा पता ही है भाई, हमें लाइन का डीआरएस कितना दिया था, वन वन वन, और प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस कितना था, वन माइनस वन वन। अगर मैं प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस देखता तो वो कितना था, वन माइनस वन और वन, जैसे ही ए वन ए टू बी वन बी टू करता तो वन माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री। बोलो भाई यस। तो ये कितनी वैल्यू आ जाती, वन बाई थ्री आती, देखो अरे हाँ भाई यही आता ना। अब जो हमें डिस्टेंस चाहिए थी पी क्यू वो कितनी थी, डी वाई साइन थीटा, बस यही उठा के रख देते तो आंसर कितना रहता, टेन रूट थ्री। क्या ये बात सबको समझ में आई, शॉर्टकट बताओ भाई, बोलो भाई क्या है शॉर्टकट, सबको समझ में आया? यस सर। कोई कंफ्यूजन, तो आप ऐसे भी ये काम कर सकते हैं, आप ये काम ऐसे भी कर सकते हैं, बोलिए भाई ये तरीका भी आप सोच के लगा सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो डी साइन डी वाई साइन थीटा होती है, जहाँ पे थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन एंड डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहाँ पे एंगल लाइन और प्लेन के बीच का हो गया और वो डी वाई साइन थीटा हो गई डिस्टेंस। तो आप ये काम ऐसे भी कर सकते हैं, मेरी बात क्लियर हुई? अब सोचो दोनों में लगभग बराबर टाइम लगता है कि नहीं भाई, इसमें एंगल थीटा निकाल लेते तो आंसर डी बाई साइन थीटा लगा देते, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती। इसमें क्या करते, पहले पॉइंट निकालते, पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते। तो वो सिचुएशन ली है जहां आपको जो चीज समझ में आ जाए वो लगा दी, अल्टीमेटली निकालनी है आपको ये डिस्टेंस है। बोलिए थीटा जो हो गया वो क्या हो गया, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है, बताओ। तो आंसर डी बाई साइन थीटा करोगे, वही आंसर आ गया जो यहाँ आ रहा था, वही यहाँ आ रहा था। शॉर्टकट समझ में आया सबको कि नहीं, बोलो के लिए क्या करते हो, बोलो लाइन
लाइन आपको दे रखी है क्या, x प्लस वन बाई टू, y माइनस थ्री बाई माइनस टू और z बाई माइनस वन, और ये पॉइंट दे रखा है वन कॉमा टू कॉमा माइनस थ्री, इसकी इमेज जो है वो कितनी दे रखी है, a कॉमा b कॉमा c, तो a प्लस बी प्लस सी बोला है, तो इमेज निकालने के लिए सबसे पहले ये पॉइंट निकाल लेते हैं c, तो c पॉइंट जनरल टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, टू लैम्डा माइनस वन माइनस टू लैम्डा प्लस थ्री और माइनस लैम्डा, फिर डी आर एस लिखोगे किसका, ए सी का, वो कितना हो जाता है टू लैम्डा माइनस वन माइनस वन, फिर माइनस टू लैम्डा प्लस थ्री माइनस टू, समझ रहे हो कि नहीं, और माइनस लैम्डा माइनस थ्री, ये डी आर एस आ गया। अब चूंकि दोनों के बीच का एंगल 90 और इस लाइन का डी आर एस कितना दिया हुआ, टू माइनस टू और माइनस वन, तो फॉर लैम्डा क्या करोगे, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाओगे, तो टू इंटू टू लैम्डा माइनस टू माइनस टू इंटू माइनस टू लैम्डा प्लस वन और आगे माइनस वन इंटू माइनस लैम्डा प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या आएगा फोर लैम्डा माइनस फोर और माइनस का प्लस का फोर लैम्डा माइनस का टू प्लस का लैम्डा माइनस का थ्री इक्वल टू जीरो, ये और ये खत्म। यहाँ से क्या लैम्डा की वैल्यू नाइन आ रही है, चेक करिए, बोलो भाई लैम्डा अगर नाइन आ रहा है तो पॉइंट सी कितना आ जाएगा, बोलो सर वन आ रही है, लैम्डा वन आ रहा है क्या, यस सर, वो फोर फोर लैम्डा कैंसिल नहीं होंगे, ओह सॉरी सॉरी, नाइन लैम्डा इक्वल टू नाइन आ रहा है ना, यस सर, कैलकुलेशन, नाइन लैम्डा इक्वल टू नाइन आ रहा है तो लैम्डा की वैल्यू वन आ रही है, चलो लैम्डा की वैल्यू वन सब्स्टिट्यूट करो क्या आ रहा है, वन वन माइनस वन, ये आ रहा है क्या सी, तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा, टू माइनस वन टू माइनस टू और माइनस टू प्लस थ्री, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वन कॉमा जीरो कॉमा वन, तो आंसर क्या टू आ रहा है, देखो समझ रहे हो कि नहीं कैलकुलेशन भाई, इमेज कैसे निकाली गई ये बात देखी, सबसे पहले हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर को लैम्डा के टर्म में अज्यूम किया, इस लाइन का डी आर एस निकाल के उसका प्रोडक्ट कर दिया, वहां से लैम्डा निकला, एक बार लैम्डा निकला सी पॉइंट, एक बार सी पॉइंट निकाल लेंगे तो बी पॉइंट आ ही जाएगा, एसी डिस्टेंस चाहोगे तो वो भी निकाल लोगे, उसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसी डिस्टेंस चाहेंगे तो वो भी निकाल लेंगे ना, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा है तो वो बोलो, बोलिए भाई समझ में आया कि नहीं, अरे हाँ या ना भाई, एक बार आपने ये पॉइंट निकाल लिया बाकी तो कैलकुलेशन आप आराम से कर ही सकते हैं, जो आपको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला हर चीज आप निकाल लेंगे कि नहीं, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करेगा, बोलिए भाई याद आया मैंने आपको ये बताया है कि नहीं, अगर किसी पॉइंट की इमेज दी हो तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, दिमाग में चल रहा है कि नहीं, बोलो भाई अगर किसी पॉइंट की इमेज दी प्लेन पे क्या बेटा मिड पॉइंट निकाल लेंगे इसका, हाँ आ जाएगा तो वो पॉइंट पे पॉइंट मिल जाएगा, डीआरएस भी मिल जाएगा, यही कर रहे हो ना, यस सर, तो पहले तो पी पॉइंट बताओ मिरर इमेज, तो माइनस सेवन बाई थ्री प्लस वन बाई टू माइनस फोर बाई थ्री प्लस टू बाई टू और माइनस वन बाई थ्री प्लस थ्री बाई टू, कितना आ रहा है पी पॉइंट, माइनस टू बाई थ्री, देखो सर वन बाई थ्री और फोर बाई थ्री और फोर बाई थ्री, ये तो पॉइंट आ गया, अच्छा इसके बाद इसका डी आर एस बताओ कितना आ रहा है, डी आर एस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन कितना आ रहा है, माइनस फाइव बाई थ्री 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 एंड माइनस फाइव बाई थ्री, यस सर, यस सर, गुड, अब प्लेन की इक्वेशन लिख लोगे कि नहीं, यस सर, क्या लिखोगे, माइनस फाइव बाई थ्री तो एक तरीके से कॉमन ही कर लो मेरे हिसाब से, यस सर, एक्स प्लस टू बाई थ्री वाई प्लस एक्स वाई माइनस वन बाई थ्री और z माइनस फोर बाई थ्री इक्वल जीरो, ये हटाई दो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा,
माइनस फाइव बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री, थ्री बाई थ्री माइनस वन इक्वल टू जीरो, देखो ये आ रहा है क्या? यस सर। आप देखो इसमें से कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है प्लेन पे, बताओ। माइनस वन बी वाला, समझ गया कि नहीं? मिरर इमेज दिया था सीधा प्लेन की इक्वेशन, और ये तो मैंने आपको कल की क्लास में निकालना बताया था, आराम से आपने निकाल लिया होगा। तो सॉल्व करो, तो किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दो, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी सबसे पहले तो? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी x माइनस टू, वाई माइनस वन और z माइनस जीरो, फोर माइनस टू, वन माइनस वन, वन माइनस जीरो, फाइव माइनस टू, जीरो माइनस वन, वन माइनस जीरो। देखो क्या प्लेन यही होगा, x माइनस टू के साथ आ जाएगा वन, y माइनस वन के साथ आ जाएगा टू माइनस थ्री, z के साथ आ जाएगा माइनस टू। सर थर्ड ऑप्शन आ रहा है। अच्छा प्लेन की इक्वेशन क्या आ रही है? x प्लस वाई माइनस टू जेड इक्वल्स टू थ्री, x प्लस वाई माइनस टू जेड इक्वल टू थ्री, इक्वल टू थ्री, वेरी गुड। ये आ गया प्लेन। अब सीधा इमेज निकालना है ना, तो इमेज का तो मान लेते हैं, इमेज जो अल्फा बीटा गामा है, तो इमेज तो निकालनी आपने सीखी है कि अल्फा माइनस टू बाई वन, बीटा माइनस वन बाई वन एंड गामा माइनस सिक्स बाई माइनस टू इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ऑफ टू प्लस वन माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स। देखो भाई, यस सर, तो ये सारे फोर बचे, तो अल्फा कितना आएगा? सिक्स आएगा अल्फा। हाँ, बीटा फाइव आएगा, गामा माइनस टू आएगा, यानी आंसर इसका सी आ रहा है। देख लीजिए आराम से, समझ गए कि नहीं भाई? आसान था कि नहीं बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो भाई। ये लाइन है, अब ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट है 103, इससे डाला गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो कि कितना दिया हुआ है 5/3, और यहाँ पर एक लाइन पर पॉइंट दिया हुआ है अल्फा 7 और 1। हाँ क्या किया बोलिए? जीरो कर दिया है इसका, इसका। एक बार इसका डीआरएस निकाल लिया तो 5/3 माइनस 1 कितना हो गया 2/3, 7/3 और 17/3 माइनस 1 8 बोलो। और एक बार इस लाइन का डीआरएस लिख लिया वो कितना हो गया अल्फा माइनस 5/3, 7 माइनस 7/3 तो 21, 14/3 और 1 माइनस 17/3 मतलब -14/3। चेक करियो सही लिखा। अब चूंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है, बस प्रोडक्ट जीरो कर दिया है, यही किया होगा भाई, क्या बोलते हो बोलिए? yes. जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया है उन्होंने यही लॉजिक लगाया होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ। यस सर। तो यहाँ से थोड़ा सा स्मार्टली अगर सॉल्व करोगे तो 2/3, 3 अल्फा माइनस 5/3 इक्वल टू 14/3 तो कॉमन ही कर लो, और साथ में बचेगा 8/3 माइनस 7/3, 3 3 सब खत्म हो गया, 2 जो 7 आ गया, तो 3 अल्फा माइनस 5 इक्वल टू 7, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 12, अल्फा की वैल्यू 4 आ रही है ना, यही आंसर बताया गया। yes, sir. तरीका समझ में आया कि नहीं भाई? जैसे आपने अब इसमें लाइन वाइन की इक्वेशन निकालने में अपना टाइम वेस्ट किया भाई, दोनों के बीच का एंगल 90 है तो इस लाइन का डीआरएस मिल जाएगा, ये दो पॉइंट मिल गए, इस लाइन का डीआरएस मिल जाएगा, ये दो पॉइंट मिल गए, दोनों के डीआरएस के प्रोडक्ट का सम क्या कर देंगे जीरो, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है, वहां से सीधे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ भाई? भाई दो लाइनें अगर हमें दी हो तो उससे रिलेटेड क्या क्या केस बन सकता है, हम उसकी बात करेंगे। तो पहली चीज, दो लाइनें जब आपके सामने दी होंगी तो पहली चीज जो आपके दिमाग में बननी चाहिए वो ये है कि दोनों लाइनें क्या हो, कोप्लेनर हो, सही है ना? पहली चीज तो दिमाग में यही आएगी ना कि दोनों लाइनें क्या हो, कोप्लेनर हो। बोलो भाई, तो कोप्लेनर लाइंस हो, या दोनों लाइनें जो है वो एस्क्यू लाइंस हो, एस्क्यू लाइंस मतलब नॉन कोप्लेनर लाइन। एस्क्यू लाइंस का मतलब हो गया नॉन कोप्लेनर लाइन, मतलब दोनों लाइनें एक ही प्लेन पे लाइन नहीं कर रही हैं, तो वो कैसी लाइंस होंगी? एस्क्यू लाइंस होगी।
कोप्लेनर लाइन का मतलब दोनों लाइनें जो है किसी एक प्लेन पर पास कर रही है, मतलब इस प्लेन पर भी ये लाइन है और इस प्लेन पर भी ये लाइन। अब वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं वो अलग मुद्दा है, बट दोनों लाइनें एक ही प्लेन पे। नॉन कोप्लेनर मतलब एक लाइन जो है वो किसी दूसरे प्लेन पर है, इस लाइन पर एक प्लेन है और एक कहीं दूसरा प्लेन है, ये इस पर दूसरी लाइन है। दोनों लाइनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, वो एक ही प्लेन पर नहीं है, ये सिचुएशन है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, अगर दोनों लाइनें एक ही प्लेन पे हैं तो इसका मतलब इस लाइन पर अगर हम एक पॉइंट ले लें x1 y1 z1, ध्यान से देख लीजिएगा, बस वो कंडीशन आपको चेक करनी आनी चाहिए। इस लाइन पर एक पॉइंट ले लो x2 y2 और z2, इस लाइन का DRS आपको पता है दैट इज a1 b1 c1, इस लाइन का DRS आपको पता है दैट इज a2 b2 c2। तो यानी कि अगर हम इस वेक्टर को ज्वाइन कर दे तो ये वेक्टर आ जाएगा x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं कि नहीं है बोलो? और आपने पढ़ा अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो उसकी कंडीशन क्या होती है बताओ? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो गया तो लाइनें कोप्लेनर होंगी। इसका मतलब अगर ये लाइनें कोप्लेनर नहीं है तो ये डिटरमिनेंट कैसा होगा? जीरो नहीं होगा। यानी कि y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये वाला डिटरमिनेंट कैसा होगा? नॉट इक्वल। तो जब ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो लाइनें एसक्यू होंगी, जब ये इक्वल टू जीरो होगा तो लाइनें कोप्लेनर होंगी। तो ये डिफरेंस समझ में आया? जब लाइनें कोप्लेनर होंगी तो उसकी कंडीशन आप क्या लगाने वाले हो? बोलो भाई, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बताइए। पहली वाली लाइन है जिस पर एक पॉइंट आपको दिया हुआ है x1, y1 एंड z1, चाहिए ना, और इसके पैरेलल एक वेक्टर मतलब DRS, पैरेलल वेक्टर में DRS ही ले लो, ये है a1, b1, c1। ऐसे एक दूसरी लाइन आपको दे रखी है जिस पर पॉइंट आपको दिया हुआ है x2, y2 और z2, और इस पर वेक्टर दिया हुआ है a2, b2 और c2। अब यही पे अगर हम पहली वाली लाइन को आप लिख दें R1, तो वो अगर आप लिखोगे तो P वेक्टर, मतलब इसको P1 ले लो, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ N1 वेक्टर, और दूसरी लाइन अगर आप देखो तो वो है P2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, सॉरी म्यू ले लो, म्यू टाइम्स ऑफ N2 वेक्टर। ये दोनों लाइनें वेक्टर के फॉर्म में दी है। तो यही कंडीशन अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में आपसे पूछूं तो इसका मतलब P1 minus P2 या P2 minus P1 vector, यहाँ से N1 और यहाँ से N2, ये box zero होना चाहिए, मतलब same condition vector form में अगर लिखनी है। और यही P1 minus P2 vector जिससे line pass कर रही है N1 vector और N2 vector का box zero नहीं होना चाहिए। तो इस condition को देख के घबराने की जरूरत नहीं, ये condition किस form में लिखी? Vector form में, और ऊपर वाली condition को उसी को आपने किस में लिख दिया? Cartesian form। क्यों ये कंडीशंस आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है दो लाइनें कोप्लेनर है, ये डिटरमिनेंट आप ऑलवेज क्या कर दीजिएगा? जीरो। जैसे ही डिटरमिनेंट को जीरो करोगे आपको जो भी एनालिसिस चाहिए वो आ जाएगा। और अगर दो लाइनें कोप्लेनर नहीं है मतलब एसक्यू लाइंस है, तो अगर दो लाइनें एसक्यू लाइंस है तो सिंपल फॉर्म क्या करोगे? ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अब कोप्लेनर लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, वो केस सारे अलग है। कोप्लेनर लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, वो सब केस अलग है। मतलब अगर वो एक प्लेन पे है, अगर वो एक प्लेन पे हैं तो इसका मतलब ये डिटरमिनेंट जीरो होगा ही होगा, और अगर वो एक प्लेन पे नहीं है तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अगर किसी क्वेश्चन में केवल ये स्टेटमेंट लिखा हो कि लाइनें कोप्लेनर है तो क्या केस आपको लगाना है, ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं? तो सबसे पहला काम क्या करोगे, लाइनों के इक्वेशन देखोगे तो ये लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में है, ये लाइन भी सिमेट्रिक फॉर्म में है। तो पहली लाइन पे पॉइंट अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? टू थ्री फोर बोलो। और पहली लाइन का डी आर एस वन वन माइनस के, दूसरी लाइन पर अगर आप पॉइंट देखोगे तो वन फोर फाइव और उसका डी आर एस के टू वन। अब अगर ये लाइन एक कोप्लेनर है तो कंडीशन आपने क्या पढ़ी है बताओ? डिटर्मिनेंट टू माइनस वन थ्री माइनस फोर फाइव, टू माइनस वन थ्री माइनस फोर फोर माइनस फाइव, इसके बाद ए वन बी वन सी वन, इसके बाद a2 b2 c2, यही डिटरमिनेंट उठा के जीरो कर दीजिए, इसी को सॉल्व कर दीजिए। क्या केस सबको समझ में आया मैंने ये काम क्यों किया? बोलो भाई,
अरे बताओगे क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? नहीं बोलिए भाई। तो के स्क्वायर प्लस टू के प्लस टू माइनस टू प्लस के जीरो, तो के स्क्वायर प्लस थ्री के। देखिए क्या सही कैलकुलेशन है। तो k की एक वैल्यू जीरो आ रही है और एक माइनस थ्री आ रही है, तो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k? टू। टू वैल्यूज। यस सर। समझ गए कि नहीं ये बताओ, केस क्लियर हुआ? कर क्वेश्चन में करना क्या था और यही काम क्यों करना था, ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं ये बताओ। यस सर। देखो मैंने क्या बताया, अगर l1 l2 को प्लेनर लाइन है तो यानी कि या तो दोनों लाइने पैरेलल होंगी या फिर को प्लेनर लाइन में दूसरा केस क्या हो सकता है, या फिर को प्लेनर लाइन में दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर लाइनें को प्लेनर है मतलब सॉरी पैरेलल है तो ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू होगा। अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू का रेशियो सेम नहीं होगा। ये तो हम देख के बता ही देंगे ना कि हाँ भाई अगर ये सेम है तो लाइनें पैरेलल है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो भी तो एक ही प्लेन पे होंगी ना, है नहीं? अब याद है आपको लाइनें अगर पैरेलल या इंटरसेक्टिंग है तो ये तो रिजल्ट हमेशा जीरो होगा ना। क्यों भाई? अगर ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू का रेशियो सेम है तो दो रो सेम रेशियो में आएंगे तो भी डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर ये डिटरमिनेंट जीरो हुआ तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। बोलो भाई। हाँ है ना, यानी कि अगर लाइनें कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है और नॉन पैरेलल है, सही है ना? मतलब लाइनें कैसी हैं भाई, इंटरसेक्टिंग है और नॉन पैरेलल है, मतलब दो लाइनें नॉन पैरेलल हैं और इंटरसेक्टिंग है, तो चुपचाप इसमें कंडीशन वही वाली लगा दो कि नहीं x2 टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो। ये बात समझ में आई? ये कंडीशन मैंने कहाँ से बना दी? बोलो, अगर नॉन पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ये डिटरमिनेंट हमेशा क्या होना चाहिए भाई? बोलो, जीरो। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें कुछ और एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं है। अब सपोज आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, सपोज आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और आप ये गिवन है या आप ये जज कर चुके हैं कि दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग है, तो पहली लाइन पर जनरल पॉइंट निकालो, वो कितना आएगा बताओ? ए वन लैमडा प्लस एक्स वन और बी वन लैमडा प्लस वाई वन सी वन लैमडा प्लस जेड वन। ये समझ में आया पहली लाइन का पॉइंट? दूसरी लाइन पे पॉइंट निकालो तो आएगा ए टू म्यू प्लस एक्स टू बी टू म्यू प्लस वाई टू और सी टू म्यू प्लस जेड टू। ये समझ में आया कि नहीं बताओ? अरे बोलो। जनरल पॉइंट ऑन बोथ लाइन लिखा कि नहीं? अच्छा, अब चूंकि इंटरसेक्टिंग है तो ये बराबर भी होंगे। अब कोई भी दो सॉल्व कर दो, तो ए वन लैमडा प्लस एक्स वन इक्वल टू ए टू म्यू प्लस एक्स टू और बी वन लैमडा प्लस वाई वन इक्वल टू बी टू म्यू प्लस वाई टू। इसी को सॉल्व कर दो एनी टू, समझ गए? और सी वन लैमडा प्लस जेड वन इक्वल टू सी टू म्यू प्लस जेड टू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व एनी टू और क्या फाइंड कर लेंगे, लैम्डा और म्यू। एक बार लैम्डा आ जाएगा तो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल आएगा, म्यू आ जाएगा तो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बोलो। तो इंटरसेक्टिंग होने पे क्या केस लगेगा ये भी समझ गए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे ये भी समझ में आ गया। हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन है? बोलो। और जब तक ये डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा तब तक यहाँ से लैम्डा और म्यू का यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। यहाँ से लैम्डा और म्यू का यूनिक सोल्यूशन तभी आएगा जब ये डिटरमिनेंट जीरो होगा, क्योंकि तभी जो है कंडीशन कॉन्करेंसी वाली आएगी लैम्डा म्यू में। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? लिंकअप। बोलो। यस सर। अच्छा, अब अगर दो लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं तो उनके बीच का एंगल, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कितना होगा? बोलो। अगर ये एंगल मैं थीटा कह दूं तो ऑब्वियसली कॉस थीटा की वैल्यू आप सीधा क्या लिखोगे, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन
रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, रूट अंडर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। ए वन बी वन सी वन क्या है? पहली लाइन का डी आर एस, और ए टू बी टू सी टू क्या है? दूसरी लाइन का डी आर एस। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, बताओ? अरे हाँ या ना, समझ गए कि नहीं भाई? सिंपल सी बात है, ये लाइन है जिसका डी आर एस कितना है, ए वन बी वन सी वन, बोलो। और ये दूसरी लाइन है जिसका डी आर एस कितना है, ए टू बी टू सी टू। और ये तो आपने पढ़ाई, अगर दो लाइनें जिनका डी आर एस हमें पता हो, उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो हम सीधे उनके बीच का एंगल लिख सकते हैं। बस वही हमने लगा दिया। क्या ये पूरी बात समझ में? इससे ज्यादा कोप्लेनर में और तो कुछ आएगा नहीं, बोलिए भाई। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं, बताओ भाई? कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। अच्छा, एक चीज आपसे और पूछी जा सकती है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, सोचो कैसे निकालोगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये आपसे और पूछा जा सकता है। तो ऑब्वियसली इस लाइन पर आपको एक पॉइंट पता होगा, एक्स वन वाई वन जेड वन, उससे क्या निकाल दोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ या ना, बोलो। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होगा, बोलो? वो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन लाइन L1 टू L2। L1 पे कोई भी एक लाइन ले लो और उससे L2 पे क्या निकाल लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही डिस्टेंस पैरेलल। अच्छा, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपने निकालना सीखा है कि नहीं, बताओ? बोलो भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो आपने सीखा है ना, वो तो आप आराम से निकाल लोगे, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, बोलो भाई, वो आराम से कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं, बताओ? कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। अरे हाँ या ना, कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ, सॉल्व कर लेंगे। चलिए, ये तो सारी चीज सॉल्व है। अब एक शॉर्टकट देख लीजिए, ठीक है ना, जो कई बार आपके कैलकुलेशन को रिड्यूस कर देगा, अगर आप अगर ध्यान रख पाए तो की बात है। जैसे ये लाइन है, सपोज ये लाइन है ए प्लस लैम्डा एन, तो ऑब्वियसली इस लाइन पर एक पॉइंट है ए, और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है एन। अच्छा, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है बी सपोज, और यहां से आपको क्या है कि सपोज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ये वाली, सही है? तो देखो, अब ध्यान से बस ऑब्जर्व करिएगा, ये वेक्टर कितना होगा, ये वाला, बोलो। अगर मैं ये वेक्टर देखूं तो ये वेक्टर b माइनस ए वेक्टर होगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा, अगर मैं इस एंगल को थीटा, सॉरी, अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं, सही है, बोलो भाई, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मैं इसको d कह दूं, तो d डिस्टेंस कितनी होगी, बोलो। साइन थीटा इक्वल टू डी बाई दिस, तो क्या ये डिस्टेंस बी माइनस ए का मॉड इनटू साइन थीटा हो जाएगा, बस ये बताओ। यस सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो, यही होगा कि नहीं? अच्छा, अगर आप साइन थीटा निकालना चाहोगे तो साइन थीटा कितना आएगा, बताओ? साइन थीटा अगर आप एंगल निकालना चाहोगे तो कितना आएगा, बोलो भाई? एक वेक्टर ये है बी माइनस ए, एक वेक्टर ये एन, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस से ही तो लेना देना होगा। तो ये वेक्टर आएगा बी माइनस ए क्रॉस एन वेक्टर डिवाइडेड बाई, मतलब बी माइनस ए क्रॉस एन वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, बी माइनस ए एन, और इसका साइन थीटा अगर हम इसका मॉड ले लें। ध्यान से देखते जाना पूरी कहानी, बोलो। तो यहां से अगर आप साइन थीटा लिखोगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ बी माइनस ए क्रॉस एन वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड एन वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी माइनस ए वेक्टर, और आपको वैल्यू चाहिए बी माइनस ए साइन थीटा की, तो यही रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, बी माइनस ए क्रॉस एन वेक्टर बाई मॉड एन वेक्टर। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। नहीं समझे? शॉर्टकट समझ में आया कि नहीं, क्या हो रहा है, बोलो? समझे कि नहीं?
तो इसी शॉर्टकट को सिंपल सा दिमाग में क्या रखोगे बोलो, कि अगर हमें कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो किसी लाइन से, और ये वेक्टर हमें दिया हो बी वेक्टर, लाइन पर हमें एक पॉइंट पता हो ए वेक्टर, और लाइन के पैरेलल डीआरएस एन वेक्टर, मतलब लाइन की जो इक्वेशन है वो दे रखी हो ए प्लस लैम्डा एन, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालते हैं डी, ये डिस्टेंस क्या आएगी, डी डिस्टेंस आती है, ये रिजल्ट आपको किसी बुक में लिखा मिल सकता है, क्रॉस एन इसका मॉड बाई मॉड एन वेक्टर, ये रिजल्ट आपको कहीं किसी बुक में लिखा मिल सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलो, ये रिजल्ट समझ में आया कि नहीं बताओ? यस सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी टू लाइन एल, कैसे रिजल्ट दिमाग में रखना है, बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं? और नहीं तो सिंपल दूसरा प्रोसेस तो आपके सामने कहीं गया ही नहीं ना। इसमें क्या होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालनी है तो आपका कैलकुलेशन बच जाएगा, क्यों, ये वेक्टर आप आराम से निकाल लोगे, इसका इससे क्रॉस प्रोडक्ट आराम से निकाल लोगे, उसका मैग्नीट्यूड आराम से निकाल लोगे, एन का मैग्नीट्यूड आराम से पता होगा, तो आपको कुछ भी लैम्डा एम्डा मानने की जरूरत नहीं, सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल आएगी। बट अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो आपको लैम्डा वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट शॉर्टकट हो गया किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू लाइन, उसका ये शॉर्टकट है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बोलो भाई, ये शॉर्टकट सबको समझ में आया कि नहीं बताओ? अरे हाँ या ना, ये शॉर्टकट समझ रहे हो कि नहीं बोलो भाई? तो आप सोचो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होगा, जल्दी आंसर बताओ, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब इसका रिजल्ट आपके दिमाग में क्या बनेगा, जो पहली वाली लाइन है वो है ए वन प्लस लैम्डा बी, ठीक है, और जो दूसरी वाली लाइन है वो है ए टू प्लस लैम्डा बी, क्योंकि बी सेम होगा तभी तो दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अब पहली वाली लाइन पे आपको पॉइंट क्या मिल गया ए वन, दूसरी वाली लाइन पे पॉइंट क्या मिल गया ए टू, ये वैक्टर हो गया ए वन माइनस ए टू, और इसके पैरेलल वैक्टर हो गया बी, तो वही डिस्टेंस आप क्या लिखोगे बताओ, ए वन माइनस ए टू वैक्टर, उसका क्रॉस लोगे बी से, डिवाइड करके मॉड ऑफ बी कर दोगे, तो यही आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब चूंकि आपको डिस्टेंस निकालनी है इसलिए इसमें उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। बुक में आपको कई जगह ये रिजल्ट लिखा मिल रहा होगा, तो अब कहां से रिजल्ट आ रहा है ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं बताओ, बोलिए भाई ये रिजल्ट कहां से आ रहा है ये बात आपको समझ में आ रही है, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोले वो। अब आराम से रिजल्ट समझ गए कि नहीं, कैसे रिजल्ट लगाना है और यही रिजल्ट क्यों लगाना है, ये बात अब आपको समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। बोलिए भाई, सीधा इस पर एक पॉइंट लिखोगे, इस पर एक पॉइंट लिखोगे, ये वेक्टर बना लोगे, उसका एन से क्रॉस लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड ले लोगे, और डिवाइडेड बाई बी वेक्टर के डॉट मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे, जैसे ही डिवाइड करोगे आपको एक डिस्टेंस मिलेगी, यही डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस है। खेल क्लियर हुआ ये पूरा, बताओ भाई सबको, कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो अपनी बात रख सकता है अभी भी। बोलिए भाई, डन हुआ मामला कि नहीं ये बताओ? तो अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप आराम से डिस्टेंस निकाल लेंगे कि नहीं, हाँ या ना? भाई सीधा पहली लाइन पर पॉइंट क्या है, वन माइनस वन वन, और पहली लाइन का डी आर एस टू थ्री फोर है, दूसरी लाइन पे पॉइंट क्या है थ्री के जीरो, और उसका डी आर एस कितना है वन टू वन, सबको सिमेट्रिक फॉर्म में ही, और लाइनें कैसी हैं इंटरसेक्ट है, तो इसका मतलब ये डिटरमिनेंट जीरो होगा, तो थ्री माइनस वन के माइनस वन और जीरो माइनस वन टू थ्री फोर वन टू वन इज इक्वल टू जीरो, तो के कितना आ रहा है यहाँ से, नाइन बाई टू, के की वैल्यू नाइन बाई टू आ जाएगी। सॉल्व किया ना, ऐसे ही सॉल्व किया होगा बस, बोलो यस सर। सीधा इंटरसेक्टिंग की कंडीशन आप लगा देंगे तो के की वैल्यू नाइन बाई टू आ जाएगी, वहां से आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट आराम से इंटरसेक्टिंग रिजल्ट जो भी आपको चाहिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इंटरसेक्टिंग रिजल्ट जो भी आपको चाहिए वो आप आराम से निकाल सकते हैं। बोलो, अब ये लाइन आपको दे रखी है, इस लाइन पर आपको एक पॉइंट दे रखा है थ्री, सॉरी माइनस थ्री टू और जीरो,
और इस लाइन का वो दे रखा 10 माइनस 7 और 1, क्या कहते हो भाई? और ये पॉइंट आपको दे रखा 2 माइनस 1 और 4, एक बार ये वेक्टर निकाल लो। तो मान लेते हैं ये वेक्टर है ए, ए वेक्टर कितना आ जाएगा बोलो, 2 माइनस 3 5 आई, माइनस 1 माइनस 2 आई और प्लस का 4 के। और जो बी वेक्टर है भाई एन वन, वो आ जाएगा 10 आई माइनस 7 जे प्लस के। तो यही जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाय मॉड बी। ये समझ में आता है सबको कि नहीं, बोलो भाई? अब ए क्रॉस बी का, अब ए क्रॉस बी तो आप आराम से निकाल ही लोगे आराम से, नहीं आई जे के 5 माइनस 3 4 10 माइनस 7 1, ये कितना आ जाता है आई माइनस 3 प्लस 28 माइनस जे 5 माइनस 40 और प्लस का के, ये के साथ कितना आ रहा है माइनस 35 प्लस 30। देखो तो यहां से शायद आ जाता है कितना 25 आई, यहां से आ जाता है शायद 35 जे, और यहां से कितना आता है माइनस 5 के। बोलो भाई सही लिख रहा हूं मैं? Yes. जब यहाँ मैग्नीट्यूड रखोगे तो क्या रखोगे, 25 स्क्वायर 35 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, और b का मैग्नीट्यूड कितना है 10 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 1। जरा सॉल्व करियो कितना आ रहा है, नीचे क्या रूट 150 आ रहा है बोलो? Yes, और न्यूमरेटर में कितना आ रहा है? हम्म, 49 आ रहा है, 25 आ रहा है और 1 आ रहा है, बोलो 75 ऊपर शायद आ रहा है रूट 75 और नीचे आ रहा है रूट 50, चेक कर 150, तो 5 बाई रूट 2 आंसर आ रहा है। देखो जरा, नहीं हाँ भाई आंसर 5 बाई रूट 2 आ रहा है, चेक करियो सही लिखा है। अरे जल्दी बताओ भाई, 5 बाई रूट 2 का मतलब क्या हो गया, 5 बाई रूट 2 का मतलब जैसे 3.57 कुछ आएगा। सही है आंसर, ये आ गया शॉर्टकट समझ में आया, इसमें ये सब पॉइंट वॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। बोलो भाई, सीधा ए वेक्टर निकाला, सीधा ए वेक्टर निकाला, सीधा ये रिजल्ट निकाल दिया, ए क्रॉस बी डॉट ऑफ मॉड बी। अरे बोलो भाई समझ गए कि नहीं? Yes, sir. तो शॉर्ट मतलब अगर आपको मतलब दिमाग में रखनी है चीजें तो मैं वो आपको रखना सिखा देता हूँ। देखो होता क्या है, जैसे ये था, अगर ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो आपने दो प्रोजेक्शन निकाले थे याद है आपको, इसकी जो प्रोजेक्शन लेंथ आती है इस वाले वेक्टर की वो आती है ए क्रॉस बी का मॉड डिवाइडेड बाई मॉड बी, और इसकी जो प्रोजेक्शन लेंथ आती है यहां से लेके यहां तक वो आती है ए डॉट बी बाई मॉड बी। ये डायग्राम दिमाग में सेट कर लो, ए और बी दो वेक्टर दिए हुए हैं तो कैसे कैसे प्रोजेक्शन लेंथ निकालते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? बोलो भाई, अरे हाँ या ना बताओ। ये वाली लेंथ निकालनी है तो ए क्रॉस बी बाई मॉड बी कर दो, और ये वाली लेंथ निकालनी है तो ए डॉट बी बाई मॉड बी कर दो। अब जहां जैसी सिचुएशन बनेगी वो आप दिमाग में सेट कर लो, ये डायग्राम दिमाग में सेट कर लो अपने। सेट कर लिया भाई सबने? इसी का बस मैंने यूज कर लिया है, इसी का मैंने यूज कर लिया है। बोलो भाई यहाँ तक एकदम ओके हो? बताओ भाई, अरे हाँ या ना बोलो। यस गुड। तो अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसमें हम क्या चीज कैसे करते हैं? अच्छा इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो आराम से हम निकाल ही लोगे लैम्डा म्यू करके, वहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी लाइन्स की, मतलब अब जो केस टू था L1 एंड L2 आर इस्क्यू लाइंस। अब जो हमारी L1 और L2 है वो इस्क्यू लाइंस, मतलब दोनों लाइनें डिफरेंट प्लेन पे लाई करती हैं, मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये वैल्यू जीरो नहीं है तो लाइनें इस्क्यू लाइंस हैं। ये बात श्योर शॉर्ट हो गई, क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? ये वैल्यू जीरो नहीं है तो ये लाइनें
अलग अलग उस प्लेन पे लाई कर रही है। यहाँ तक ओके हो गए सब लोग? बोलिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। अच्छा अब अगर दोनों लाइनें अलग अलग प्लेन्स पे हैं तो ऑब्वियसली हमें दोनों लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अब आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो दो लाइनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा कहां लाई करती है? Always occurs along its common normal। पहली चीज मतलब एक ऐसी लाइन के अलॉन्ग, ये अगर हम इस लाइन को कह दें कि ये लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन है, अगर हम इसको कह दें ये लाइन, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये लाइन जो है क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन है। क्या है ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन है। तो ये लाइन L1 के भी क्या होगी, यानी L जो है वो परपेंडिकुलर होगा L1 के। मतलब अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन L है, L जो है वो L1 के परपेंडिकुलर होगा और L जो है वो किसके परपेंडिकुलर होगा? L2 के। तो बस L का DRS आप यही काम करके निकाल लेंगे। समझ में आया? अब देखो इस लाइन के अलोंग पैरेलल वेक्टर क्या होगा? N1 वेक्टर। इस लाइन के अलोंग पैरेलल वेक्टर क्या होगा? N2 वेक्टर, वही DRS वाला वेक्टर। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं DRS ऑफ L तो वो होगा N1 क्रॉस N2 वेक्टर। तो N1 क्रॉस N2 वेक्टर करके आप DRS ऑफ L निकाल लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं लिख रहा हूँ? बोलो भाई। अरे हाँ या ना? तो अब आप ये वेक्टर आराम से निकाल लेंगे। अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, मतलब यही वाली लेंथ तो निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि अगर पहली लाइन पर आपको पॉइंट पता है, सपोज यहाँ हमको एक पॉइंट पता है A1 वेक्टर, यहाँ हमें एक पॉइंट पता है A2 वेक्टर, तो ये A1 माइनस A2 वेक्टर का इसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन निकाल लो। तो वो होता है A1 माइनस A2 वेक्टर डॉट डॉट N वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ N वेक्टर, जहाँ पे N वेक्टर क्या हो गया? N1 क्रॉस N2। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे अगर आपको दो लाइनें गिवन है तो। क्या ये पूरी कहानी आप लोग समझ पा रहे हो मैं जो बोलता जा रहा हूँ? बोलो। नहीं समझ पा रहे हो? बोलिए। एक लाइन आपको दी हुई है ए वन प्लस लैम्डा एन वन और दूसरी लाइन आपको दी हुई है ए टू प्लस म्यू एन टू। यही दो लाइन एल वन और एल टू है। तब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन है उसके हिसाब से आपने ये एनालिसिस किया है। पहली लाइन पे पॉइंट A1 A2 उससे वेक्टर, उसका इसी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन वाला वेक्टर है उससे आप डॉट ले लेंगे, वहां से आपको लाइन मिल जाएगी। बोलिए भाई क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब आपको कभी भी दो लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो आप सीधा ये कॉन्सेप्ट लगा के दो लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगा देंगे। अच्छा दो लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आएगी? जब दोनों लाइनें कैसी होंगी? स्क्यू लाइंस। क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट है ना ये यही है। अगर आप ध्यान से देखो भाई ये यही तो है। ये क्या लिखोगे? N1 क्रॉस N2 ही तो लिखोगे इसको। बोलो भाई अगर आप इसका फॉर्मूला पूरा ओपन करके लिखोगे तो यही तो लिखोगे ना, A1 माइनस A2 डॉट N1 क्रॉस N2 बाय मॉड ऑफ N1 क्रॉस N2, हाँ या ना? तो ये जो लिखा हुआ है ये यही तो है। और अगर ये नॉन जीरो होगा तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी। अगर ये जीरो हो जाएगा तब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है ना। क्या ये कहानी क्लियर हो रही है सबको? हाँ या ना? बोलिए। यहाँ तक सारी लिखी हुई चीजें, सारी लिखी हुई चीजें, सारा लिखा हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। तो अगर दो लाइनें आपको स्क्यू दी हैं तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकाल लेंगे कि नहीं बताओ? अच्छा मतलब वैसे तो जेई मेन में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट अगर कभी आपके सामने आ गया इक्वेशन ऑफ स्क्यू लाइंस पूछ लिया गया, सॉरी इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन, इक्वेशन ऑफ क्या पूछा गया आपसे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन, तो क्या करोगे बताओ? तो उसका तरीका सिंपल सा ये होगा कि भाई हमें एक लाइन ये पता है, हमें एक लाइन ये पता है और हमें ये पता है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन है।
तो ऑब्वियसली हमें इस लाइन पर एक पॉइंट निकालना पड़ेगा ए, इस लाइन पर एक पॉइंट निकालना पड़ेगा बी, तो ए और बी दोनों पॉइंट आप मान लोगे? बोलो भाई, इस लाइन का डीआरएस हो जाएगा एन वन, इस लाइन का डीआरएस हो जाएगा एन टू, तो ए बी का डीआरएस कितना होगा? ये तो बताने की जरूरत नहीं है, समझ रहे होंगे सब लोग, कितना होगा? एन वन क्रॉस एन टू, ये तो मिल गया। अच्छा, ए पर एक पॉइंट मान लोगे जनरल? बोलो, वो हो जाएगा ए वन लैम्डा प्लस एक्स वन, बी वन लैम्डा प्लस वाई वन एंड सी वन लैम्डा प्लस जेड वन। बी वाला पॉइंट मान लोगे ए टू म्यू प्लस एक्स टू, बी टू म्यू प्लस वाई टू और सी टू म्यू प्लस जेड टू। अब यहां से निकाल लोगे डी आर एस ऑफ ए बी, बोलो भाई, तो वो आ जाएगा क्या, एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस ए वन लैम्डा माइनस ए टू म्यू, वाई वन माइनस वाई टू प्लस बी वन लैम्डा माइनस बी टू म्यू और जेड वन माइनस जेड टू प्लस क्या, सी वन लैम्डा माइनस सी टू म्यू। बस इन्हीं दोनों डी आर एस को क्या कर दोगे? बोलो, सेम इक्वल। बस वहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? यूज बोथ डी आर एस, यूज बोथ डी आर एस, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। एक बार लैम्डा और म्यू आएगा तो ए और बी पॉइंट आएंगे, दो पॉइंट आएंगे, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे कि नहीं? बोलो yes. फिर आप आराम से क्या लिखोगे, राइट इक्वेशन ऑफ ए बी, अगर लैम्डा और म्यू निकाल लेंगे तो वहां से ए और बी पॉइंट आ जाएंगे। अच्छा, इसमें सपोज आपने एन वन क्रॉस एन टू किया और वो वैल्यू आ गई ए बी सी, तो कंडीशन क्या लगाओगे बताओ भाई? कंडीशन यही तो लगाओगे कि x1 माइनस x2 प्लस a1 लैम्डा माइनस a2 म्यू बाई a, फिर y1 माइनस y2 प्लस b1 लैम्डा माइनस b2 म्यू बाई b और z1 माइनस z2 प्लस c1 लैम्डा माइनस c2 म्यू बाई c। वैसे जेई मेन में इतना आपसे मैक्स पूछेगा नहीं, बट फिर भी अगर कहीं सिचुएशन आ गई तो अब आपको पता है ना क्या करना है। इन दोनों को इक्वल करोगे एक इक्वेशन, इन दोनों को इक्वल करोगे दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकाल लोगे। एक बार लैम्डा और म्यू आएगा दोनों पॉइंट आ जाएंगे, दोनों पॉइंट आ जाएंगे, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, वही इक्वेशन आपके लिए क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन का डीआरएस पूछा गया है तो ऑब्वियसली एन वन क्रॉस एन टू कर दोगे। क्यों? क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन होगी वो क्या होगी, कॉमन नॉर्मल होगा, यानी वो एल वन पे भी नॉर्मल होगा और एल टू पे भी नॉर्मल होगा। अगर सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी गई है तो a1 माइनस a2 का n1 क्रॉस n2 से प्रोजेक्शन ले लोगे, a1 माइनस a2 डॉट n1 क्रॉस n2 बाई मॉड ऑफ n1 क्रॉस n2। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली यही प्रोजेक्शन जो लेंथ होगी वही आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंथ हो जाएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? बताओ, फॉर्म में लिखे होनी चाहिए, बस वही वैक्टर लिख लो। तो एन वन वैक्टर अगर आप देखोगे तो क्या लिखोगे, थ्री, मतलब वेक्टर वाली फॉर्म में लिख दो ऐसे ही डी आर एस, थ्री माइनस वन वन, ये डी आर एस ही लिखा हुआ, ठीक है ना? और इसमें भी एक्स वाई जेड सब पॉजिटिव है, तो एंड याद रखिएगा सिमेट्रिक फॉर्म में एक्स वाई जेड का कोफिशेंट प्लस वन होना चाहिए, ये जरूर देख लेना। कई बार यहीं पे ट्रिक खेल जाता है, ये कोफिशेंट प्लस वन नहीं होता और आप डायरेक्ट डी आर एस ले जाते हैं, गलत हो जाता है। जब तक एक्स वाई जेड का कोफिशेंट प्लस वन नहीं है तब तक इनको डी आर एस नहीं लिया जा सकता। अच्छा, मान लो अगर लाइन ऐसे लिख दे कोई कि, मतलब ये तो खैर इसमें इसमें ऐसा नहीं है, मान लो कि अगर ऐसा लिखा मिल जाए, तो मान लो आपसे लाइन लिख दे क्या कि x माइनस थ्री बाई वन, y प्लस टू बाई टू एंड z इक्वल टू फोर, तो आपको सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन ऐसे लिखनी है x माइनस थ्री बाई वन, y प्लस टू बाई टू इक्वल टू z माइनस फोर बाई जीरो, तब आप ये डी आर एस जीरो लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख देगा तो ये चीज आपको ऐसे लिखनी है। बोलिए भाई, इसको ध्यान रखिएगा, मेरी बात समझ रहे हो? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं था, बट हाँ, अगर लाइन ऐसे लिखी है तो आपको ये चीज ऐसे लिखनी आनी चाहिए, तब इस लाइन का डी आर एस क्या लोगे, वन टू जीरो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बताओ भाई? अच्छा, आप बताओ इस क्वेश्चन क्या हो, इसका दूसरी लाइन का डीआरएस क्या होगा, माइनस थ्री टू फोर,
समझ गए सब लोग? अच्छा पहली लाइन पे पॉइंट क्या है बोलो, पहली लाइन पे पॉइंट क्या है? 383 बोलो, और दूसरी लाइन पे पॉइंट क्या है? -3 -7 6। आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो चाहो तो a1 - a2 वेक्टर निकाल ही लो और उसका डॉट ले लो n1 x n2 से और बाई मॉड ऑफ n1 x n2। तो हमें n1 और n2 अलग वेक्टर निकालने हैं, तो पहले तो n1 x n2 अलग निकाल ही लो। क्या आएगा? ij(3 - 1 - 3 - 2 - 4)। किसी ने सॉल्व किया है क्या? कोई साथ में मेरे सॉल्व कर रहा है क्या? यस सर। ये कितना आ रहा है? 6 - 3 - 6i - 15j प्लस 3k। यस सही आ रहा है। और a1 - a2 कितना आ रहा है? a1 में से a2 माइनस करो तो 6i और प्लस 15j बोलो और माइनस का 3k, देखो यही आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना, देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। तो दोनों वेक्टर तो सेम ही आ गए ना ये तो। आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो 6i + 15j - 3k इंटू 6i + 3j, दोनों का डॉट ले लेंगे और इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा ये बताओ। डॉट 270 आ रहा है। कितना आ रहा है? 270 नहीं, 6² + 15² + 3² ना, बाय रूट अंडर 6² + 15² + 3² यही आ रहा होगा, देख लो। नहीं यस सर, यही मॉड में लगा दिया आपने, तो ये रूट कैंसिल कर दो, तो रूट के अंदर यही तो आ गया 36 + 225 + 9, मतलब रूट 270 ऐसा। यस सर, रूट 270 3√30 आ रहा है तो। यस सर, समझ गए कि नहीं भाई? क्या किया, क्यों किया, किस लिए बताओ भाई। डायरेक्ट ये रिजल्ट लगा के मॉड ले लिया हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। आप समझ में आ गया होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए तरीका, बोलो। क्लियर हुआ कि नहीं सबको बताओ भाई। तो आप किसी भी दो लाइनों के बीच में शॉर्ट, हाँ भाई, L1 और L2 के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी भाई? L1 लाइन का N1 आपको दे रखा है ना, क्या दे रखा है? 3 1 2, और इसका N2 आपको दे रखा है क्योंकि XYZ सब पॉजिटिव है, 1 2 3। तो एक लाइन जो L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है। अच्छा L1 और L2 क्या है वो हमें नहीं पता, बट L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका जो DRS आप निकाल सकते हो कि नहीं बोलो, और वो DRS क्या होगा? n1 x n2 होगा कि नहीं? इसमें से ये बात पे कितने लोग एग्री हैं बोलो, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं बताओ भाई। यस सर। तो n1 x n2 जरा आप निकालो तो i (3 - 4 + j) के साथ कितना आ रहा है? 9 - 2 + k (6 - 1) देखो जरा ध्यान से, तो क्या ये आ रहा है? -i (+7j) आगे +5k। तो लास्ट वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, यूनिट वेक्टर बोथ L1 एंड L2 के परपेंडिकुलर हो, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसके मॉड डिवाइड कर देंगे बस, तो क्या होगा? -i (-7j + 5k)/5√3। बी आंसर है कि नहीं देखिए जरा। यस सर। यस सर। तो ये पैराग्राफ में एक पार्ट तो सभी को समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन इसको? चलो अब 56, ये तो 58 हो गया। 56 में क्या कह रहा है कि आपको एक प्लेन निकालना है जिसका जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है बोथ लाइन L1 एंड L2 का। इसका मतलब इसके नॉर्मल का DRS कितना हो गया? यही तो हो गया बताओ। और प्लेन पर एक पॉइंट दिया हुआ है कितना? -1 - 2 - 1 बोलो भाई। तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो गई बताओ?
x plus 1 into minus 1, नहीं समझ रहे हो बताओ? Yes, और माइनस 7 इंटू वाई प्लस 2, बोलो भाई, और 5 इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, तो प्लेन क्या आ रहा है? माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 7 बाई माइनस 14 और प्लस का 5 जेड प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब माइनस एक्स माइनस 7 वाई प्लस का 5 जेड और साथ में माइनस का 10। यस सर। यानी कि x plus 7y minus 5z plus 10 equal to 0, देखियो जरा। यस सर। अच्छा अब हमें क्या निकालना है वैसे यहाँ पे? ये तो अभी प्लेन निकाला है हमने, हमें उससे क्या डिस्टेंस निकालनी है क्या? 1,1 से उस प्लेन की डिस्टेंस क्या है? तो 1,1 से हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है बेसिकली, ये वाली डिस्टेंस। बताओ ये डिस्टेंस d क्या आ रही है? 1 plus 7 minus 5 plus 10 का मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 plus 49 plus 25, 75, 13 आएगा ऊपर, हाँ, 75 नीचे, 5 root 3 नीचे, 5 root 3 नीचे, 13 by 5 root 3 है, ये रहा, बोलो भाई, समझ गए कि नहीं बताओ भाई? अच्छा अब L1 और L2 के बीच की shortest distance पूछी गई है, बोलिए, तो ये रहा N1 cross N2, हाँ है ना, A1 और A2 और लिखना है, बोलो भाई, समझ रहे हो कि नहीं? shortest distance के लिए तो A1 क्या लिखोगे? Yes. A1 vector क्या लिखोगे? minus 1, minus 2, minus 1, अरे हाँ है ना, A2 क्या लिखोगे? बोलो जल्दी से, 2 minus 2, 3, तो A1 minus A2 लिख लो, क्या लिखोगे? बोलो, माइनस थ्री आई प्लस जीरो जे और माइनस फोर, सही लिखा है मैंने, बस ये देख लो। और अब शॉर्टेज डिस्टेंस, अब शॉर्टेज डिस्टेंस डायरेक्ट लगा, तो क्या लिखोगे शॉर्टेज डिस्टेंस? मॉड ऑफ माइनस थ्री आई प्लस जीरो जे माइनस फोर के, इसका डॉट लोगे किसके साथ? माइनस आई माइनस सेवन जे प्लस फाइव के साथ, और इसी के मॉडुलस से क्या कर दोगे? डिवाइड। इसका मॉडुलस अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था ना, 5√3, हाँ या ना? अब बताओ आंसर क्या आ रहा है? 317 आएगा ऊपर, माइनस 20 का मॉड डिवाइडेड बाय 5√3, तो आंसर क्या 17/5√3 आ रहा है। यस सर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप किसी भी सिचुएशन में आराम से निकाल लेंगे, बोलो, हाँ या ना? समझ में आया? दो लाइनों से रिलेटेड कुछ भी अब आपसे पूछा जाएगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, बोलो। Yes, sir. फिर से बोल देता हूं। तो हमने अब दो प्लेन के बारे में बात की, तो एक प्लेन की इक्वेशन दी है a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0, एक प्लेन की इक्वेशन है a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0, वेक्टर फॉर्म में लोगे r.n equal to d1 and r.n2 equal to d2, या तो दोनों प्लेन पैरेलल होंगे, या एक प्लेन दूसरे को कोइंसाइड कर रहा होगा, या दोनों प्लेन एक दूसरे को क्या कर रहा होगा? इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अच्छा, अगर दोनों प्लेन पैरेलल होंगे तो पहले का drs नॉर्मल drs a1 b1 c1, दूसरे के नॉर्मल का drs a2 b2 c2 पैरेलल होगा, यानी a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, बट वो d1 by d2 के बराबर नहीं होगा। क्यों? अगर वो d1 by d2 के बराबर हो जाएगा तो दोनों प्लेन एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? कोइंसाइड। तो पैरेलल प्लेन मतलब a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 के बराबर है, मगर वो d1 by d2 के बराबर नहीं है। कोइंसाइडिंग प्लेन मतलब दोनों इक्वेशन सेम रेशियो में, मतलब a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 equal to d1 by d2। अच्छा, और अगर वो प्लेन पैरेलल नहीं है तो ऑब्वियसली, अगर दो प्लेन पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज इंटरसेक्टिंग। बात हो गई खत्म? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, समझ गए ना सब लोग? अब अगर दो प्लेन पैरेलल हैं और उनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो ऑब्वियसली दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले a1 b1 c1 के हिसाब से ये रेशियो सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे ax plus by plus cz, यहाँ भी कर लेंगे ax plus by plus cz। अब यहाँ रहेगा d1, यहाँ रहेगा d2, तो डिस्टेंस हो जाएगी d1 minus d2 का मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर a square plus b square plus c square, that is distance between parallel planes। वो आप आराम से कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो पहला प्लेन लिखा हुआ है 2x plus y plus 2z minus 8 equal to 0, दूसरा प्लेन लिखा हुआ है 2x plus y plus 2z plus 5 by 2 equal to 0। अब सीधा डिस्टेंस लगा दो, क्या हो जाएगा? 5 by 2 plus 8, d1 minus d2 divided by root under 4 plus 1 plus 4, तो आंसर कितना आएगा? 21 by
2 into 3 7 by 2 देखियो यस सर समझ गए कि नहीं भाई वही d1 माइनस d2 कर दिया और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइड और यही abc आपने सेम कर लिया बोलो समझ गए कि नहीं यहां तक कोई प्लेन होते हैं तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं पहला सपोज ये रहा प्लेन p1 है ना और ये रहा प्लेन p2 और दोनों प्लेन कैसे हैं भाई इंटरसेक्टिंग है तो अगर दो प्लेन इंटरसेक्टिंग है तो दोनों के बीच का क्या होगा एंगल होगा ना बोलिए भाई पहला सवाल तो यही बनेगा एंगल बिटवीन द प्लेन p1 एंड p2 एंगल बिटवीन प्लेन p1 एंड p2 तो अब दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स के बीच का एंगल एंगल बिटवीन प्लेन p1 एंड p2 मान लेते हैं वो थीटा है सही है तो अब ध्यान से देखो इसका नॉर्मल और इसके नॉर्मल दोनों के बीच का एंगल भी क्या होगा बोलो भाई यही वाला थीटा ही तो हो जाएगा बताओ वहां पे आप तुरंत कॉस थीटा दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लेंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर ये बात समझ में आ रही कि नहीं बताओ वही एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन निकाल लो हाँ या ना सेम एज एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन मेरी बात समझ गए कि नहीं बताओ तो दोनों के नॉर्मल का DRS पता ही होगा वही आप एंगल आराम से निकाल लेंगे हाँ या ना ये बात क्लियर हुई बोलिए भाई एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन आप सभी लोग निकाल लेंगे कि नहीं इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ बोलिए भाई ऐसी सिचुएशन में एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन सभी लोग निकाल लेंगे ना लाइन बनती है समझ लो जैसे तब दो प्लेन आपने ये इंटरसेक्ट कराए थे तो उनकी एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है देखो जब दो प्लेन आप इंटरसेक्ट कराते हैं तो उनकी एक क्या बनती है इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है अब उस इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बात होगी ये वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी जब दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ये क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर टू प्लेन्स टू इंटरसेक्टिंग प्लेन p1 एंड p2 टू इंटरसेक्टिंग प्लेन p1 एंड p2 अच्छा अब ये जो लाइन l है ना ऐसे लिखी जाती है सपोज कभी कभी ये लाइन ऐसे लिख दी जाती है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज जीरो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज जीरो इसका मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइन L फॉर टू दीज टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स इसका यही मतलब होता है समझना या आपसे ये कहा गया अ लाइन पासेस थ्रू अ लाइन सॉरी अ लाइन पासेस थ्रू ठीक है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of two planes p1 equal to 0 and p2 equal to 0 इसका भी मतलब यही हो गया समझ में आया अब इस लाइन से रिलेटेड दो केस होते हैं पहला अगर हमसे सिर्फ ये पूछा जाएगा DRS ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन तो हमारा कैलकुलेशन कम होगा अगर हमसे सिर्फ DRS ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन पूछा जाए तो ऑब्वियसली अगर हमें इंटरसेक्टिंग लाइन का DRS निकालना है तो मान लेते हैं कि जो इसका DRS है वो n है n वेक्टर है अच्छा इस लाइन के परपेंडिकुलर भाई दोनों वेक्टर है ना भाई इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है n1 है कि नहीं है बताओ और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है n2 और ये जो n वेक्टर है वो दोनों n1 और n2 के क्या है परपेंडिकुलर है
यानी कि डीआरएस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एन वन क्रॉस एन टू हुआ कि नहीं, वेयर एन वन एंड एन टू, वेयर एन वन एंड एन टू आर दी डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन पी वन एंड पी टू। क्या ये बात सभी लोगों को दिख रही है, समझ में आ रही है, बताओ। तो अगर हमें DRS of intersecting line निकालनी है तो हम सीधे N1 cross N2 निकाल देंगे। N1 पहले plane का DRS हो गया, N2 दूसरे plane का DRS हो गया। दोनों plane का DRS पता होगा, obviously ये तो angle 90 इससे भी बन रहा होगा, angle 90 इससे भी बन रहा होगा, तो वही angle 90 करके N1 cross N2 आप निकाल देंगे। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, बोलो भाई क्या ये बात क्लियर हुई। तो N1 cross N2 करोगे तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन का DRS मिल जाएगा, ये बात ओके हो गई, बोलो। अगर DRS सही है, अब बात आती है सेकंड सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर आपको सिमेट्रिक इक्वेशन चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन की, सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए तो क्या करोगे, मतलब इसी लाइन की सिमेट्रिक इक्वेशन आपको निकालनी है, सही है। तो हम क्या करते हैं भाई, पहला प्लेन है a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0, दूसरा प्लेन है a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0। तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं एनी टू वेरिएबल x, y और z वन बाय वन, ठीक है, और फिर लिखते हैं राइट रिलेशन बिटवीन थर्ड वेरिएबल, बस। तो जो रिलेशन थर्ड वेरिएबल का आप लिखोगे वही आपका सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा, बस यही दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, यही दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी, बात क्लियर हो रही है कि नहीं, बोलो भाई सब लोग, क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है। तो वन बाय वन आप क्या करोगे, दो वेरिएबल एलिमिनेट करोगे और फिर तीसरे में रिलेशन लिख दोगे, तो आपको सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाएगा। अब वो सिचुएशनली डिपेंड करता है कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइन निकालनी है, मतलब सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना या सिर्फ डीआरएस चाहिए, वो जहां आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी वहां आप वो काम कर लेंगे। तो करने का तरीका तो है ही, बट अब इसमें क्या क्या, जैसे ये लाइन L1 लाइन क्या दे रखी है वो तो आपको आराम से दिख रही है, बोलो। अच्छा L2 लाइन पे एनालिसिस करो, L2 लाइन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रही है कि नहीं, बताओ पहले, बोलो, यही है L2 line, हाँ या ना। अब अगर सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा गया होता DRS of L2 line, तो हम क्या करते, इसका DRS लिखते, बोलो, इसका DRS लिखते और इसी का क्रॉस ले लेते, बोलो भाई, नहीं, क्या है मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ। तो वन प्लस वन माइनस जे, वन माइनस टू प्लस का के, वन माइनस टू, देखो जरा सही लिख रहा हूं मैं, यस सर, वन माइनस टू सही है ना, ये माइनस वन माइनस टू, बोलो, ये आता टू आई प्लस जे माइनस का थ्री के। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का अगर मैं डीआरएस पूछता तो आंसर टू वन माइनस थ्री होता कि नहीं, बताओ। अरे हाँ या ना, ये समझे सब लोग कि नहीं, बताओ। अगर मैं सिर्फ डीआरएस आपसे पूछ रहा था, ये क्वेश्चन तो अभी जैसे करना है वो तो कर ही लेंगे, ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। अगर मैं सिर्फ आपसे इंटरसेक्टिंग लाइन का डीआरएस पूछ रहा होता तो आपका ये आंसर होता कि नहीं, पहले प्लेन का डीआरएस आपको पता था वन वन वन, दूसरे का था टू माइनस वन वन, दोनों के डीआरएस के हेल्प से आपने इसका डीआरएस निकाल लिया कि नहीं, बताओ। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ, समझ गए सब लोग कि नहीं, बोलो।
अच्छा अब अगर मैं आपसे सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन पूछता, अब मैं आपसे सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन पूछता तो आपका आंसर क्या होता बताओ। अब मैंने क्या बताया था कि एक लाइन है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो और एक लाइन है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस थ्री इक्वल जीरो। कोई भी दो वेरिएबल एलिमिनेट कर दो, कोई भी दो, तो पहले तो दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे क्या y एलिमिनेट हो जाएगा ये बताओ। अरे हाँ या ना बोलो, दिखा कि नहीं बताओ। यस सर। एक बार दोनों को सेपरेट कर दो, जैसे ही सेपरेट करोगे क्या z एलिमिनेट हो जाए। हो सकता है कोई मल्टीप्लाई करना पड़े, बट कोई दो वेरिएबल एलिमिनेट कर दो। एक बार ऐड करेंगे तो y हट गया, एक बार सेपरेट करेंगे तो z हट जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे होगे कि नहीं बताओ, बोलो। आ गया? यस सर। अच्छा इसके बाद दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों इक्वेशन में कॉमन वेरिएबल क्या है? x। दोनों से x की वैल्यू निकाल के देखो, तो पहले से x क्या आएगा बोलो, 2z plus 4y minus 3, और दूसरे से x क्या आएगा 2y minus 2। दिख रहा है कि नहीं सबको बताओ? बट अभी क्या है, लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में लिखी है नहीं, तो x by 1 y minus 1 by half देखते जाना, और z plus 2 by minus 3 by 2। अब आएगा x by 2 y minus 1 by 1 और z plus 2 by minus 3। ये symmetric equation of the line आ गई, दिखा? बोलो process समझ में आया कि नहीं? हमने 1 by 1 variables eliminate किए और फिर symmetric equation of the line लिख दी। अब देखो line का DRS वही आ रहा है कि नहीं, आना भी चाहिए। मेथड समझ पा रहे हो कि नहीं? लाइन का डीआरएस देखो, अगर हमें सिर्फ डीआरएस का काम होता तो ये तरीका लगाते, अगर हमें सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन का काम होता तो ये काम लगाते। आप सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन आपने निकाल ली कि नहीं बोलो? अरे हाँ या ना, यहां तक एकदम ओके हो। अब बताओ दोनों लाइनें सिमेट्रिक फॉर्म में आपके सामने आ गई कि नहीं आ गई बोलो? यस सर। L1 लाइन कितनी आ गई, x माइनस 1 बाई 0 y प्लस 1 बाई माइनस 1 और z बाई 1, यही तो है L1 लाइन। हाँ, और L2 लाइन हमें कितनी मिल गई सिमेट्रिक फॉर्म में, x बाई 2 y माइनस 1 बाई 1 और z प्लस 2 बाई माइनस 3। अब क्या हम इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं बताओ? यस सर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, n1 वही करेंगे भाई, इसका n1 लिखेंगे तो वो क्या आएगा 0 माइनस 1 1, इसका n2 लिखेंगे तो क्या आएगा 2 1 माइनस 3। यहाँ से हम क्या निकालेंगे n1 क्रॉस n2, ये समझ रहे हो मैं जो कर रहा हूँ बोलो, 0 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3, तो ये कितना आएगा i के साथ 3 माइनस 1 और माइनस j के साथ 2, k के साथ कितना आ रहा है 2, देखिए जरा 2, तो 2i प्लस 2j प्लस 2k 1 1 1 आ रहा है क्या, देखो। अच्छा फिर a1 पॉइंट कितना दे रखा है 1 माइनस 1 0, देखते जाना, और a2 कितना दे रखा है 0 1 और माइनस 2, तो अब a1 माइनस a2 वेक्टर कितना हो गया बताओ, i 1 माइनस 2 2j और प्लस 2k, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आ गई बताओ, इन दोनों का डॉट ले लेंगे नहीं क्या, इन दोनों का डॉट लोगे तो कितना आएगा 2 माइनस 4 प्लस 4 और डिवाइडेड बाई, इसी से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा ये 4 प्लस 4 प्लस 4, इसी को सॉल्व कर दो तो आंसर साइड 2 बाई 2 रूट 3 आ रहा है, 1 बाई रूट 3 है क्या ऑप्शन? यस सर। समझ गया कि नहीं खेल क्या था बताओ? आपने सबसे पहले इस दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लिया, इसके बाद A1 A2 निकाल लिया, इसके बाद दोनों लाइनें आपको सिमेट्रिक फॉर्म में मिल गई, सिंपलीफाई कर लिया। अगर हमें सिर्फ DRS का यूज करना होता तो ये तरीका था। सिमेट्रिक फॉर्म में हमने क्या किया, कोई भी दो वेरिएबल एलिमिनेट किए, तीसरे वाले वेरिएबल पे जो कॉमन है बचा उस पे रिलेशन लिख दिया, उसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिख दिया, तो हमें लाइन पर पॉइंट और DRS मिल जाएगा, इसके बाद सीधा आंसर लिखते चले जाएंगे। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, तो सिमेट्रिक फॉर्म कैसे लिखेंगे बात दिख गई सबको, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो।